हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन से पाकिस्तान तक खलबली मच गई है, क्योंकि आसमान का बाहुबली हिंदुस्तान आ चुका है। आज मातृभूमि में राष्ट्र रक्षा की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। 5 राफेल विमानों की आज अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग हुई। क्या आपको मालूम है इन 5 फाइटर प्लेन को फ्रांस से हिंदुस्तान लाने वाले कौन है? 7,000 किलोमीटर का सफर कैसे पूरा हुआ? हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाली इस खबर के नायकों से मिलिए। पहला राफेल, दूसरा राफेल, तीसरा राफेल, चौथा राफेल और पांचवा राफेल। 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके आया सरहद का सूरमा। आसमान का सीना चीरते हुए हिंदुस्तान पहुंचा भारत का रक्षक। एक साल से जिसका इंतजार था वो आज पूरा हुआ। जो यहाँ के लोग, पूरा देशवासी और खासतौर से अंबाला के जो लोग थे, वो गर्जना सुनना चाहते थे, उसी गर्जना को सुनाया इन रफाल लड़ाकू विमानों ने जब यहाँ अंबाला एयर स्पेस में पहुंचे हैं। और अभी भी वो आसमान में ही हैं। पहले बहुत नीचे से गए थे, नीचे से उड़ान भरी थी, लेकिन अब ऊपर बादलों के ऊपर यानी क्लाउड्स के ऊपर चले गए हैं, इसलिए सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। विजुअल्स में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन रफाल लड़ाकू विमान अंबाला एयर स्पेस में पहुंच चुके हैं। अब कांपेगा चीन, डरेगा पाकिस्तान। घर पहुंचा बॉर्डर का बलवान। दोपहर करीब 3:20 पर जब अंबाला हवाई पट्टी पर राफेल ने देश की मिट्टी को चूमा, तो ये पल हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल था। आज की सबसे खास तस्वीर को 3 कैमरों से देखिए। पहली तस्वीर लैंडिंग के वक्त की है, दूसरी तस्वीर में एयरबेस पर वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया और तीसरी तस्वीर लैंडिंग के बाद की। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। स्पेशल ट्रेनिंग पाने वाली एक खास टीम इस फाइटर प्लेन को फ्रांस से हिंदुस्तान लेकर आई, जिसका नाम है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जिसकी अगुवाई ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह कर रहे हैं। राफेल की पहली झलक से देश आने तक हरकीरत सिंह इस मिशन के साथ जुड़े रहे। एयरफोर्स में हरकीरत सिंह की जांबाजी की मिसाल दी जाती है। ये तस्वीर 2019 की है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहला राफेल विमान लेने फ्रांस गए थे। तब हरकीरत राफेल की मुहूर्त पूजा में शामिल थे और आज राफेल की सेफ लैंडिंग के बाद राजनाथ सिंह ने पूरी टीम और एयरफोर्स को बधाई दी। हरकीरत सिंह को खराब MiG-21 बाइसन की सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए शौर्य चक्र मिल चुका है। दुश्मन को दहलाने वाले राफेल को सुरक्षित लाने वाले ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह और उनकी टीम पर देश को गर्व है।
और मैं आपको बता दूं कि रफेल लाने वाले 5 पायलट्स में से एक उत्तर प्रदेश के बलिया के मनीष सिंह हैं। विंग कमांडर मनीष सिंह पर देश को गर्व है। पिता का सीना हिमालय से ऊंचा है तो मां की खुशियों का ठिकाना नहीं। बलिया के वीर विंग कमांडर मनीष सिंह के बारे में आप भी जानिए। ये देश के वायुवीर विंग कमांडर मनीष सिंह हैं। जब राफेल ने अंबाला की हवाई पट्टी पर लैंड किया तो बलिया के इस लाल पर देश बलिहारी हो गया। पिता का सीना गर्व से भर उठा और वो अपने बेटे को सलामी देने से नहीं रोक सके। मातृभूमि की रक्षा में लगे इस वीर बेटे को जन्म देने वाली माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुशियाँ हैं। और भरे पूरा पकवान बनाएंगे और मिठाई उठाई मंगा कर सारे लोग को बांटेंगे। रात को सुंदर कांड करवाएंगे। परिवार ही नहीं बलिया के जिस बकवा गांव में मनीष का जन्म हुआ वो पूरा गांव आज मिठाइयाँ बांट रहा है। दो भाई और दो बहनों में सबसे बड़े मनीष सिंह पढ़ने में बेहद होनहार रहे। मनीष की पढ़ाई लिखाई हरियाणा के सैनिक स्कूल से हुई जिसके बाद उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। माँ कहती हैं मनीष बचपन से फाइटर प्लेन उड़ाना चाहते थे लेकिन माँ तो माँ है, हवा से बात करते प्लेन को देखकर माँ डर जाती थी। तो वो उड़ने लगे तो मेरे को तो बहुत डर लगे कि लोग बोले कि इस पर जो उड़ाते हैं उनको माँ बस से उल्टा सलामी लेकर लोग जाते हैं। मनीष 6 महीने पहले ट्रेनिंग के लिए फ्रांस गए थे और जाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेने गांव आए थे। ये हमारे लिए और हमारे घर के लिए, गांव के लिए और समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है। हम भैया को बधाई देते हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। फ्रांस से 7000 किलोमीटर का ये सफर आसान नहीं। कॉकपिट में सीट पर बैठे बैठे पायलट के पांव तक अकड़ जाते हैं लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करके मनीष सरहद के रक्षक को लेकर देश आए। मातृभूमि को अपने इस वीर पर नाज है। मातृभूमि में आज उन लड़ाकों की कहानी है जिसकी बहादुरी, जज्बा और देशभक्ति का संकल्प एक नजीर तो है ही। छोटे शहरों से निकलकर हिमालय की बुलंदी पाने वालों की भी ये कहानी है। हरदोई के रहने वाले विंग कमांडर अभिषेक उन्हीं में से एक हैं। आसमान में हिंदुस्तान की जय जयकार। एरो साइन में भारत की वायु सीमा में दाखिल होते फाइटर राफेल और उसके साथ 2 सुखोई M30। 5 राफेल की आवाज दुश्मन को कंपाने वाली है। इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63, वेलकम टू द इंडियन ओशन। नेवल वॉरशिप डेल्टा 63, एरो लीडर, मेनी थैंक्स। मोस्ट रीअश्योरिंग टू हैव एन इंडियन वॉरशिप गार्डिंग द सीज। एरो लीडर डेल्टा 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. और इसी 5 में से एक राफेल की फाइटर सीट पर हैं हरदोई के विंग कमांडर अभिषेक, जिन पर हिंद को नाज है। हरदोई के सणदीला में अभिषेक त्रिपाठी के घर पर जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस शुभ घड़ी की बधाई दे रहे हैं। परिवार वाले टीवी के जरिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। हम लोग खुशी का, हमारी लोगों खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आज हमारा भतीजा यहाँ पे पहुँचा है। सारा देश उसको देख रहा है, सारी दुनिया उसको देख रही है। संजीला के लिए ये गौरव की बात है, हम लोगों के लिए महान गौरव की बात है, हमारे परिवार के लिए महान गौरव की बात है। अभिषेक त्रिपाठी की पढ़ाई लिखाई राजस्थान के जालौर में हुई। अभिषेक ने JNU से MSc की, साल 2000 में NDA की परीक्षा पास कर फाइटर पायलट बने। अभिषेक जी का जन्म हुआ जालौर में, ब्रह्मपुरी में रहते थे बचपन में ये। उसके पश्चात ये राजनगर में आ गए तो बचपन में वहाँ भी साथ में रहे हम, और हम यहाँ पर भी इनके साथ में रहे। बहुत ही होनहार बालक था और NDA की परीक्षा पास करके वहाँ चले गए। 10वीं तक इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की।
अभिषेक ने बचपन में कुश्ती के दांव पेच सीखे थे। जालौर के जिस वीर दल में अभिषेक थे, आज वहां उनकी वीरता के किस्से हैं। कुश्ती अच्छे खेलते थे, दौड़ भी इनकी बहुत बढ़िया थी। तो आपको दौड़ का तो इतने बढ़िया थे, आगे जाकर जब इंडिया में सिलेक्शन हुआ वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। क्रॉस कंट्री के अंदर बहुत लंबी दौड़ होती है उसके अंदर भी, और जालौर के सभी नौजवानों के लिए प्रेरणा की बात होगी कि जालौर ऐसे छोटे पिछड़े इलाके से निकला हुआ बालक और आज देश को गौरवान्वित कर रहा है। एयरफोर्स में जाना अभिषेक का सपना था और राफेल की इस उड़ान के बाद वो देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। फ्रांस से राफेल का हिंदुस्तान आना इतना आसान नहीं था अगर एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद राठेर नहीं होते। ये कहानी आज जम्मू कश्मीर के भटके हुए युवाओं को खास तौर से देखनी चाहिए। घाटी के रहने वाले हिलाल जैसे अफसर जब तक हैं तब तक मातृभूमि सुरक्षित है। करगिल हो या गलवान, दुश्मनों को जवाब देगा बलवान। और इस बलवान को हिंदुस्तान लाने वाली टीम का एक खास नाम है हेलीसर। हिलाल अहमद राठेर को ही हवा के महारथी हेलीसर कहकर पुकारते हैं। हेलीसर और राफेल का रिश्ता कितना गहरा है ये समझने के लिए आपको पिछले साल की तस्वीर देखनी चाहिए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल की शस्त्र पूजा के लिए फ्रांस गए थे। इस शस्त्र पूजा की तैयारी खुद हिलाल अहमद ने की थी। बुरी नजरों से राफेल को बचाने के लिए नींबू और नारियल को थाली में रखते हिलाल अहमद की इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा था। हिलाल अहमद इस वक्त फ्रांस में भारतीय दूतावास में तैनात है। फ्रांस में एयर अटैचे के पद पर तैनात है। राफेल डील से लेकर डिलीवरी तक में अहम भूमिका निभाई। राफेल की समय पर डिलीवरी कराने में बड़ी भूमिका रही। हिलाल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं। जिस वक्त राफेल ने फ्रांस से उड़ान भरी उस समय भी हिलाल मौजूद थे। फ्रांस में भारत के राजदूत के साथ हिलाल अहमद राठेर की ये तस्वीर उसी वक्त की है। दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद राठेर ही वो शख्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी फ्रांसीसी सरकार और रफाल बनाने वाली कंपनी दसो को जोड़ दिया कि रफाल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी समय पर की जाए, और उसी का नतीजा है कि रफाल लड़ाकू विमान तय समय से भारत पहुंच रहे हैं। हिलाल अहमद राठेर के पिता जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी थे। जम्मू के करीब नगरोटा सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। साल 1998 में फाइटर पायलट के तौर पर वायुसेना में शामिल हुए। घाटी में पाकिस्तान की साजिश और गुमराह होने वाले बच्चों के लिए हिलाल आदर्श की तरह हैं। भूमि पूजन के मौके पर पूरा देश टेलीविजन पर रामलला के दर्शन करेगा। इस बीच ये चर्चा हो रही थी कि आखिर रामलला इस खास मौके पर किस रंग की पोशाक पहनेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पोशाक का रंग क्या। पांच सौ साल बाद आया है शुभ मुहूर्त। रामलला के मंदिर का है भूमि पूजन। की तरह तैयार हो रही है अयोध्या। स्वागत में जुटे हैं अयोध्यावासी। पांच अगस्त 2020 दोपहर 12:15 पर पीएम मोदी रामलला के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। सुबह 11:30 पीएम मोदी साकेत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। साकेत विश्वविद्यालय से निकलकर पीएम जिस रूट से हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे वहां भी रंगाई पुताई का काम चल रहा है। सड़कों की साफ सफाई से लेकर डिवाइडरों की रंगाई पुताई का काम भी तेजी पर है। सड़कों पर श्री राम के जीवन से जुड़ी कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। दीवारों पर दोहे लिखे जा रहे हैं। इन पिलर्स को देखिए, इन पिलर्स पे श्री राम का नाम भी है तो ओम भी है,
और साथ ही कलश है, मछली है, मोर है, हाथी है और तमाम ऐसे प्रतीक हैं जो रामायण में शुभ माने गए थे। और इन सभी प्रतीकों के साथ दीवारों को, पिलर्स को, पुलों को, तमाम ऐसी जगह जहां से भी लोग गुजरेंगे, उन लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि अयोध्या के लिए 5 अगस्त का क्या महत्व है, ये दीवारें, ये रंग एहसास उन्हें दिलाएंगे। एक तरफ अयोध्या में तैयारियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामलला के मुहूर्त से लेकर कपड़ों पर महाभारत छिड़ी हुई है। मुहूर्त के दौरान रामलला के पहनने के लिए हरा और भगवा रंग के कपड़े तैयार किए गए थे। वैसे रामलला के कपड़ों में भगवा रंग इससे पहले शामिल नहीं था, लेकिन जन भावना को देखकर भगवा रंग के कपड़े तैयार किए गए थे। हालांकि अब रामलला के कपड़ों का रंग तय हो चुका है। 5 अगस्त को बुधवार है, ऐसे में परंपरा के अनुसार रामलला हरा रंग का ही कपड़ा पहनेंगे। कहा था कि नहीं, इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन हुआ, परिवर्तन नहीं होगा और वही कपड़े पहनाए जाएंगे जो सब दिन पहनाए जाते हैं, और हरे रंग का ही पोशाक भगवान श्री रामलला पहनेंगे। आपको बता दें कि रामलला को 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं।